नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कातिल खिलौने। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आज उना देश की राजधानी स्थित एक कैसीनो में जुए के मेजों पर लोग अपना भाग्य अजमा रहे थे। एक मेज पर शार्लो परेरा तीन व्यक्तियों के साथ खेल रहा था। तुम्हारी चाल है शार्लो, ये लो 1,000, मेरे 2,000। ठीक है, 2,000 में 100 करो। देखो 3 इक्के, तुम बेईमान हो, 2 इक्के तो मेरे पास हैं। फ्रेजर को बेईमान कहता है, ये ले ढिसुम। शार्लो ने उठकर जवाबी हमला किया। शार्लो ने पीटना नहीं सीखा। आह, उफ। फिर वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शार्लो बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। कैसीनो में हंगामा मच गया था, अतः वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स आ पहुंचे। क्या हो रहा है ये? छोड़ दो, रुक जाओ, यहां लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। इन लोगों को बाहर निकाल दो। झगड़ा इन्होंने किया था, ये तीनों बेईमानी कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन तीनों बदमाशों को बाहर धकेल दिया। फ्रेजर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी शार्लो, मैं तुझे देख लूंगा। गुंडों के जाने के बाद कैसीनो में फिर शांति हो गई। इस हंगामे के दूसरे दिन शाम को शहर के एक पेशावर कातिल जैक्सन के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो, जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन, शार्लो परेरा नामक एक व्यक्ति की हत्या करनी है। 1 लाख रुपए कमाने का मौका है। संदेश सुनकर जैक्सन की आंखों में भेड़िए जैसी चमक आ गई। उसी रात जब शार्लो परेरा क्लब से लौट रहा था, एक गाड़ी उसके निकट आकर रुकी। कौन है ये लोग? शार्लो ने भागने की कोशिश की, मगर गुंडों ने उसे दबोच लिया और अगले ही क्षण जैक्सन ने अपना छुरा शार्लो की छाती में उतार दिया। खच, आई। लाश वहीं छोड़कर गुंडे अपने गाड़ी में भाग गए। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव के सामने प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव अमर खन्ना बैठा ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। शार्लो परेरा हमारा आदमी था मिस्टर अमर, उसकी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। कुछ दिन पहले उसने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उसने अजूना की एक बहुत बड़ी खिलौना बनाने वाली फर्म सुपर ट्वाइज इंटरनेशनल के विरुद्ध कुछ संदेह प्रकट किया था। खिलौने बनाने वाली फर्म के विरुद्ध? हाँ, वो फर्म साधारण खिलौने नहीं बनाती, बल्कि लाइफ लाइक खिलौने बनाती है, यानी बिल्कुल असली जैसे। वो अगर एक कार बनाएंगे तो उसमें असली कार की तरह मिनिएचर यानी छोटा इंजन रखा होगा, जो बड़ी कारों की तरह पेट्रोल से चलेगा। फर्म के मालिकों का कहना है कि इस तरह के खिलौने से खेलकर बच्चे शुरू से ही इंजन के फंक्शंस को समझ सकेंगे। उस फर्म ने इसी तरह के विभिन्न खिलौने बनाने का दावा किया है। बात तो दिलचस्प है, लेकिन शार्लो परेरा ने उस फर्म पर क्या संदेह प्रकट किया था? उसने लिखा था कि उसे शक है कि फर्म खिलौने बनाने की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र रच रही है। अब शार्लो की हत्या के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि उसका शक ठीक था। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बनाकर अजूना भेजना चाहता हूँ। वहां जाकर तुम उस फर्म से भारत में उनके खिलौने की एजेंसी लेने की बात करो, और इस बहाने पता लगाने की कोशिश करो कि वो वहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इस काम के लिए आप किसी सरकारी जासूस को क्यों नहीं भेजते? बड़े अपराधी आमतौर से सभी देश के मशहूर सरकारी जासूसों पर नज़र रखते हैं, इसलिए मैं किसी सरकारी जासूस को भेजकर खतरा नहीं उठाना चाहता। तुम्हारे बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और तुम एक महान जासूस हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। बाय द वे, उस फर्म का मालिक कौन है? ये भी दिलचस्प बात है। उस फर्म के 4 पार्टनर हैं, उनमें से 3 अरबपति व्यक्ति है। एक का नाम शरमाइल है, जो इजराइल व्यापारी है।
दूसरे का नाम किनलाई है, ये सिंगापुर का है और वहाँ का माफिया चीफ है। तीसरा अजोना का ही उद्योगपति है, उसका नाम मूसा मेखाइल है। और चौथा पार्टनर फिजिक्स का वैज्ञानिक है, उसका नाम डॉक्टर लास्की है। फिजिक्स का वैज्ञानिक खिलौने बजा रहे हैं, फिजिक्स का वैज्ञानिक खिलौने बना रहा है, ये बात हैरत की है। हाँ, इसलिए तो मुझे सार्लो की इस बात में सच्चाई नज़र आती है और मैं तुम्हें अजूना भेजना चाहता हूँ। ओके सर, मैं अजूना जाने के लिए तैयार हूँ। गुड, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी योजना समझाता हूँ। और जनरल उसे अपना प्लान समझाने लगे। जनरल यादव से मिलने के बाद अमर वापस अपनी कोठी पहुंचा तो ड्राइंग रूम में अपने सहायक अकबर को सिर के बल खड़े पाया। ये क्या हो रहा है मूर्ख इंसान? कसरत, गधे हो तुम, सीधे खड़े हो जाओ। हर वक्त मूर्खतापूर्ण हरकतें, ये कोई वक्त है कसरत करने का? कसरत का कोई वक्त नहीं होता डैडी, जब कुछ भी करने के लिए ना हो तो कसरत की जा सकती है। मेरी समझ में आज तक यही नहीं आया कि भगवान ने तुम्हें इस धरती पर क्यों भेजा है मोटे भाई, ताकि मैं आपकी नाक में दम करता रहूं। जब आप मुझे डांटते हैं तो मुझे अपने मरहूम अब्बा जान की याद आ जाती है, मैं उनकी नाक में भी तो दम कर दिया करता था। मैं तुम्हारे दोनों कान खींचकर गुलेल कर दूंगा अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर शरीफ आदमी की तरह कपड़े पहनकर नज़र नहीं आए तो। लगता है आप मेरा कसरती बदन देखकर डर गए हैं। ठीक है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। अकबर कपड़े पहनकर इंसान बन गया तो अमर ने उसे जनरल यादव से हुई बातें बताकर कहा, अगले सप्ताह हम दोनों अजूना चल रहे हैं। मैं एक उद्योगपति के रूप में जाऊँगा, मेरा नाम होगा सेठ त्रिलोकीनाथ त्यागी, और तुम अपने असली रूप असली नाम और तुम अपने असली नाम और रूप में मेरे सेक्रेटरी की हैसियत से चलोगे। ठीक है, मैं तो पैदा ही आपका हुक्म बजाने के लिए हुआ हूँ। आप चाहे तो मुझे मुर्गा भी बनाकर ले जा सकते हैं, लेकिन हम एक सप्ताह बाद ही क्यों जाएंगे? इस बीच मेरे नकली कागजात और पासपोर्ट आदि तैयार किए जाएंगे, साथ ही सुपर टॉयज इंटरनेशनल को मेरी ओर से एक पत्र भी भेजा जाएगा कि मैं उनके खिलौने की एजेंसी लेने के सिलसिले में अजूना पहुंच रहा हूं। तो आप मुझे भी एक खिलौना खरीद कर देना, मैं बहुत दिनों से खेला नहीं हूं। उसकी बात पर अमर मुस्कुरा उठा। ठीक एक सप्ताह बाद अमर और अकबर अजूना के लिए रवाना हो गए। अमर अधेड़ उम्र सेठ त्रिलोकीनाथ त्यागी के रूप में यात्रा कर रहा था। मैं एयर होस्टेस से टॉफ़ी मांगकर खा सकता हूँ सर? शट अप, अब मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। अजूना पहुंचकर उन्होंने होटल रीगल जाने के लिए टैक्सी ली, जहां पहले ही उनके नाम से कमरे बुक हो चुके थे। आंखें खुली रखना, शायद हमारा पीछा किया जाए। मैं आंखें भी खुली रखूंगा और कान भी। होटल रीगल के काउंटर पर, तीसरी मंजिल पर स्वीट नंबर 603 और दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 411 आपके लिए तैयार है सर। थैंक्स, हमारा सामान ऊपर भिजवा दीजिए। दोनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। स्वीट में पहुंचते ही अमर ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। पहले चेक करना होगा कि कमरे में कोई माइक्रोफोन आदि तो नहीं छुपा है। उसने सूटकेस से स्टेथोस्कोप जैसा यंत्र निकाला और कानों पर चढ़ाकर कमरे की दीवारें, गुलदान, लैंप आदि चेक करने लगा। कुछ नहीं है। पूर्ण संतोष हो जाने के बाद अमर पहले नहाया, फिर फोन पर अकबर के कमरे का कनेक्शन मांगकर उसे आदेश दिया। मिस्टर अकबर, सुपर टॉयज इंटरनेशनल के डायरेक्टर मिस्टर मूसा मुखाइल को फ़ोन करके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस सर। अब ये दोनों वास्तविक रूप में मालिक और सेक्रेटरी का अभिनय कर रहे थे। फिर अकबर ने अपने कमरे से ही सुपर टॉयज के ऑफिस में फ़ोन लगाया। हेलो, मैं मिस्टर मूसा मुखाइल से बात करना चाहता हूँ। मैं मिस्टर मूसा की सेक्रेटरी हूँ सर, क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए?
अकबर ने अपना परिचय दिया तो सेक्रेटरी ने उसे होल्ड करने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर अकबर, मेरे बॉस मिस्टर मूसा ने आपके बॉस मिस्टर त्रिलोकीनाथ को वेलकम कहा है। आज रात 8 बजे वो होटल सेलर के रूम नंबर 101 में मिस्टर त्रिलोकीनाथ से आप मिल सकते हैं। ओके, मिस्टर त्रिलोकीनाथ 8 बजे पहुंच जाएंगे। फ़ोन रखकर अकबर नीचे हॉल के डाइनिंग हॉल में आकर एक टेबल पर बैठ गया। देखना यह है कि क्या कोई यहाँ हमारी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद वो एक कप कॉफ़ी पीकर उठा और अमर के कमरे की ओर चल दिया। मुझे तो यहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र नहीं आया। आपको ठीक 8 बजे होटल सेलर के रूम नंबर 101 में पहुँचना है सर। ठीक है, और कोई ख़ास बात? केवल ये कि मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि यहाँ कोई हमारी निगरानी नहीं कर रहा है। फिर भी होशियार रहने की ज़रूरत है। इस बार शायद हमारा वास्ता बहुत ही चालाक अपराधियों से पड़ा है। मैं पूरी तरह सावधान हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपका पीछा करूँगा। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अजूना की सैर करो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी बता दूँगा। फ़िलहाल तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ देर बाद वो अकेला होटल से बाहर निकला। दरबान ने उसके लिए टैक्सी बुलाई। टैक्सी में यात्रा करते हुए वो बहुत सतर्क था और अपने पीछे सड़क पर नज़र रखे हुए था। कोई पीछा नहीं कर रहा। 1 घंटे तक सड़कों पर बेमकसद घूमने के बाद उसने एक जनरल स्टोर के सामने टैक्सी रुकवाई और जनरल स्टोर में प्रविष्ट हुआ, जो भारतीय मूल के किसी नागरिक का था। स्टोर के काउंटर पर पहुंचकर उसने कहा, मुझे अपनी पत्नी के लिए एक मैक्सी चाहिए जिस पर नीले सितारे लगे हो। नीले सितारे? ओह, आप 1 मिनट रुकिए। वास्तव में अमर ने जो वाक्य बोला था वो उसकी पहचान का कोड था। ये स्टोर भारतीय सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट चलाता था। उसकी मदद से अमर को भारत में जनरल यादव की रिपोर्ट देनी थी। सेल्समैन ने इंटरकॉम उठाकर किसी से दबे शब्दों में बातें की। फिर अमर से कहा, सॉरी, आप जिस तरह की मैक्सी चाहते हैं वो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए, वो ऑर्डर देकर आपके लिए मैक्सी तैयार करा देंगे। ओके। कुछ क्षण बाद अमर स्टोर के मैनेजर कम मालिक मिस्टर नरेश गुप्ता के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। मुझे जनरल यादव का संदेश मिल चुका है कि आप यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका आदेश है कि मैं आपको पूरा सहयोग दूँ। थैंक्स। सबसे पहले तो आप मुझे शार्लो परेरा की हत्या के विषय में कुछ बताइए। शार्लो की हत्या बड़ी विचित्र परिस्थितियों में हुई थी। एक दिन पूर्व कैसीनो में उसका कुछ गुंडों से झगड़ा हुआ था। फ्रेजर नामक एक गुंडे ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी और अगले ही दिन शार्लो की हत्या हो गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि शार्लो की हत्या निजी झगड़े के कारण हुई है और उसमें फ्रेजर का हाथ है। लगता तो यही है, लेकिन जिस रात शार्लो की हत्या हुई उस रात फ्रेजर इस शहर में नहीं था। यहाँ की पुलिस फ्रेजर से पूछताछ कर रही है, लेकिन मेरा विचार है कि उसकी हत्या में सुपर ट्वाइज इंटरनेशनल के मालिकों का हाथ है। सुपर ट्वाइज के मालिकों से आज मेरी मुलाकात होने वाली है। मैं देखूंगा कि वो कैसे लोग हैं। फिलहाल तो मैं जनरल यादव से बात करना चाहता हूँ। आपके पास वायरलेस का प्रबंध है? जी हाँ, नीचे बेसमेंट में वायरलेस है। मेरे साथ आइए। चलिए, बेसमेंट में जाकर अमर ने वायरलेस पर जनरल यादव से कुछ बातचीत की और जब वो स्टोर से बाहर निकला तो 7:45 बज रहे थे। उसने टैक्सी ली। होटल सेलर चलो। ठीक 8 बजे वो होटल सेलर के रूम नंबर 101 पर दस्तक दे रहा था। खटखट। एक सुंदर युवती ने दरवाज़ा खोला। मेरा नाम त्रिलोकनाथ त्यागी है। प्लीज़ कम इन, बॉस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमर भीतर प्रविष्ट हुआ। वेलकम मिस्टर त्रिलोकनाथ, मेरा नाम मूसा मिखाइल है और ये मेरे पार्टनर मिस्टर समाइल हैं। हेलो। औपचारिक वाक्यों के आदान प्रदान के बाद वो सोफों पर आमने सामने बैठ गए। सेक्रेटरी, तुम जा सकती हो। और हाँ,
मेहमान के लिए कॉफ़ी भिजवा देना। यस सर। कुछ देर बाद कॉफ़ी आ गई। हमें आपका पत्र मिल गया था मिस्टर त्रिलोकनाथ, और हमें खुशी है कि आप इंडिया में हमारे खिलौने की एजेंसी लेना चाहते हैं। जी हाँ, लेना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई बात करने से पहले मैं आपके वो लाइफ लाइक खिलौने देखना चाहूँगा। वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे खिलौने पसंद आ गए तो आपने एजेंसी लेने का फ़ैसला किया तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए हमारे पास एडवांस जमा कराने होंगे। आपके खिलौने अगर मुझे पसंद आ गए तो मैं इस कारोबार में 5 तो क्या 10 करोड़ रुपए भी लगा सकता हूँ। दरअसल मैं आपके वो विचित्र खिलौने देखने के लिए बेचैन हूँ। तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। हेलो, लीजिए, हमारे तीसरे पार्टनर मिस्टर किनलाई भी आ गए। एक बार फिर औपचारिक वाक्यों का आदान प्रदान हुआ और किनलाई भी साथ बैठ गया। मिस्टर त्रिलोकनाथ, हमारी फैक्ट्री और खिलौने देखना चाहते हैं किनलाई? नो प्रॉब्लम। कुछ देर की बातचीत के बाद मूसा मिखाइल ने कहा, ऑल राइट मिस्टर त्रिलोकनाथ, परसों हम आपको सुपर टाउन ले चलेंगे जहां हमारी फैक्ट्री है। आप खिलौने देख लीजिए, उसके बाद कारोबार की शर्तें तय कर ली जाएंगी। ओके। उसके बाद अमर ने तीनों से हाथ मिलाया और वापस अपने होटल आ गया। मैं उन तीनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत सभ्य लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर शार्लो की हत्या क्यों हुई, और शार्लो ने सुपर टॉयज के विरुद्ध रिपोर्ट क्यों भेजी थी? मुझे तो लगता है शार्लो को कोई गलतफहमी हुई थी और उसकी हत्या के पीछे कोई निजी झगड़ा था। यानी आप सुपर टॉयज इंटरनेशनल के मालिकों को बिल्कुल मासूम मानकर चल रहे हैं? इसका फैसला मैं परसों करूँगा। परसों वो मुझे अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं, जब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाता, तुम इस मामले से अलग ही रहो। मैं अकेला ही फैक्ट्री देखने जाऊँगा। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जो आज्ञा सरकार। अपने कमरे की ओर जाते हुए अकबर सोच रहा था, अमर उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया है, लेकिन मुझे खतरे की गंध आ रही है। इसलिए कल से मैं अपने ढंग से अमर की निगरानी करूँगा, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में फंसे तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। ये निर्णय लेने के बाद वो अपने कमरे में सो गया। उसी रात पेशेवर कातिल जैक्सन की फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो जैक्सन स्पीकिंग। जैक्सन, होटल रीगल के स्वीट नंबर 603 में त्रिलोकनाथ नामक एक भारतीय व्यापारी ठहरा हुआ है, तुम्हें उससे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। जैक्सन ने ध्यानपूर्वक फ़ोन करने वाले के निर्देश सुने। अगले दिन अमर का कोई काम नहीं था, इसलिए वो अकेला ही होटल से घूमने के लिए निकला। टैक्सी बुलाऊं सर? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वो एक सड़क पर पैदल चला जा रहा था कि अचानक, कौन हो तुम? तुम्हारी जेबों में पिस्तौल है मिस्टर। हमारी जेबों में पिस्तौल है मिस्टर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वरना खतरा। कौन है ये लोग? चलो, वो सामने गाड़ी खड़ी है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलते रहो वरना गोली मार दूंगा। इस वक्त इनसे भिड़ भी नहीं सकता क्योंकि दोनों के पास पिस्तौल है। कार के निकट पहुंचकर, चलो अंदर बैठो। कार चल पड़ी तो अमर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा। तुम लोग मुझे आह तेरा मुंह बंद करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर बाद वो कार एक सुनसान क्षेत्र में बने एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुकी। अमर को जब होश आया तो उसने स्वयं को एक मेज पर बंधे पाया। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? जैक्सन ने उसके प्रश्न की उपेक्षा करते हुए कहा। इस खंजर से मैं तुम्हारे चेहरे की सारी खाल उतार सकता हूँ। ज़रूर उतार सकते हो, लेकिन मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है?
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।